यहाँ पे नम कारवार और आई लव कारवार, शिव भगवान की स्टैचू जो मुर्डेश्वर में है, मुर्डेश्वर टेम्पल यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। वहाँ पे रॉक गार्डन का एक जो फिशरमैन फैमिली का स्टैचू है। तो ये डीसी ऑफिस मैंने आपको दिखाया था मेरे पीछे, और यहाँ पे फ्लाईओवर का भी काम चालू है जो कि अभी 20 साल तो कंप्लीट नहीं होगा मुझे लगता है। तो एंजॉय कीजिए गाइस, ये व्यू बहुत ही सही यहाँ पे लग रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कडल तीरा। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ कारवार में। तो हमारे गांव से मैं निकल रहा हूँ कारवार सिटी की तरफ, जो कि जब भी मुझे ऑफ रहता है, नहीं तो हॉलीडे रहता है, मैं ट्राई करता हूँ कि कारवार बीच पे जाऊँ और थोड़ी बहुत जॉगिंग कर लूँ। और कारवार में जो कुछ भी अभी नए चेंजेस हुए हैं ये वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव थोल्लेबाग। महामाया देवी प्रसन्न कैसे कहता बक्षानो, वो 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 सबकल कहता। एक्चुअली आगे ट्रक है, ट्रक का प्लेटफॉर्म है, उसमें से नीचे ले रहे हैं। ओके 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 डन। ओके चलिए, हमारा रास्ता भी क्लियर, सो लेट्स गो कारवार। तो ये प्लेटफॉर्म से लिया था उन्होंने नीचे, तो देख लीजिए आप कितने टायर्स है। तो सदाशिवगढ़ में हूँ, तो यहाँ से श्री दुर्गा देवी देवस्थान आपको मिलेगा स्ट्रेट जाने के बाद। और अभी हम हो जाएंगे कनेक्ट टू NH66 नेशनल हाईवे, जो कि नया ही बनाया है, उसका काम भी चालू है। मीन्स आगे कारवार में फ्लाईओवर जो बन रहा है, तो दो फ्लाईओवर बन रहे हैं और आगे टनल्स भी बन रहे हैं, तो उसका भी अभी कितना काम कंप्लीट हो चुका ही है, तो उसका भी अभी कितना काम कंप्लीट हो चुका है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में कारवार में एक छोटा सा हाईवे के साइड में गार्डन भी और पार्क भी बनाया है, और उसी के आगे एक नंबर कारवार का डिस्प्ले बोर्ड है, तो वहाँ पे अभी देखेंगे, फोटोज खींचेंगे, आपको भी दिखाऊंगा। ऐसे हाईवे पे बाइक राइड करने को बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ से भी कारवार 0 किलोमीटर, बाद में मंगलूर 271 एंड कन्याकुमारी 981 मंगलूर। तो इस साइड में रॉक गार्डन स्ट्रेट फ्लाईओवर बन रहा है उसी के साइड में, तो वो डायरेक्ट फ्लाईओवर कनेक्ट हो जाएगा टनल्स को, जो कारवार सिटी के बाहर मिलेगी।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाईओवर का काम अभी इतना पेंडिंग है, मीन्स आगे देखेंगे कभी कंप्लीट होता है, ये साल तो कंप्लीट होने के चांसेस नहीं है। और यहाँ से एक गार्डन बन रहा है, ऑलरेडी बन चुका है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस हाईवे के साइड में, ये फ्लाईओवर के साइड में ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा लोगों को। और उसी के साथ ये रविंद्रनाथ टैगोर बीच यहाँ पे, तो ये है नमो कारवार का बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, फोटोज़ निकलने के लिए बहुत ही सही प्लेस है। और आज जो श्लोक को लेके आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे श्लोक का फ़ोटो भी खिंचवाएंगे। तो यहाँ पे मैं पार्क कर देता हूँ बाइक। यह है श्लोक। हाय कर कैमरा कड़े हाय। सो गाइस, ये डीसी ऑफिस है, उसी के साइड में आपको ये डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे डोर धापे, डोर बंद करेंगे। सो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे ये डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे नम कारवार और आई लव कारवार। सो यहाँ पे एक शिव भगवान की स्टैचू जो मुर्डेश्वर में है, मुर्डेश्वर टेम्पल यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। वहाँ पे रॉक गार्डन का एक जो फिशरमैन फैमिली का स्टैचू है यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पे विक्रमादित्य जो वॉरशिप है वहाँ पे कारवार में बेस है, वहाँ का एक डिस्प्ले है। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये ट्रेडिशन वाइज यहाँ पे स्टैचूज है, ये कल्चर डिस्प्ले करता है फार्मर्स कर्नाटका में। बहुत ऐसे यूनिक स्टैचूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही सही लग रहा है। सो यहाँ पे एक लेते हैं फ़ोटो। और यहाँ पे मैं हूँ कारवार में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये डीसी ऑफिस मैंने आपको दिखाया था मेरे पीछे, और यहाँ पे फ्लाईओवर का भी काम चालू है, जो कि अभी 20 साल तो कंप्लीट नहीं होगा मुझे लगता है, अगले साल देखेंगे। और वहाँ पे बीच है रविंद्रनाथ टैगोर, तो यहाँ पे अभी हमने और श्लोक और मैंने फ़ोटोज़ निकाले हैं, तो वो हम डालेंगे इंस्टा पे, नहीं तो फेसबुक पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मीन्स हम जा रहे हैं वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर बीच पे, वहाँ पे जाते हैं, थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं जॉगिंग करते हैं और निकल जाते हैं फिर से घर के लिए। तो फर्स्ट मैं वहाँ पे जाता हूँ, और कुछ अच्छा शूट करने के लिए है तो शूट करता हूँ, और आपको सिनेमेटिक मीन्स म्यूज़िक के साथ प्ले करके दिखाता हूँ। तो चलिए वहाँ पे जाते हैं। तो गाइस चलिए बीच पे जाते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है इतना फ्लाईओवर का काम, जो आगे टनल्स आपको देखने को मिलेंगे बाद में। तो ये है एंट्री, जो मेन एंट्री है रविंद्रनाथ टैगोर बीच की। तो बहुत ही सही यहाँ पे डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट मैं अंदर ले जाता हूँ बाइक, देखता हूँ अंदर लेके जाने को यहाँ से मिलेगी। तो जाएंगे अंदर। तो एंजॉय कीजिए गाइस ये व्यू, बहुत ही सही यहाँ पे लग रहा है, और विंड भी बहुत ही सही यहाँ पे चल रही है, तो अच्छा फील हो रहा है। अभी निकल जाते हैं बीच पे। सो यहाँ पे आने के बाद बहुत ही मुझे मस्त लगता है, मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे भी आता हूँ मैं यहाँ पे, जब ऑफ नहीं तो हॉलीडेज रहते हैं। चल बेगिन। सो गाइस यहाँ पे अभी श्लोक तो एंजॉय कर रहे हैं पानी में, और अभी निकलने को मैं बोल रहा हूँ तो रेडी नहीं है बाहर आने के लिए। चल बेगिन।
रविंद्रनाथ टैगोर कडल तीरा। कौन सा सो है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसी के साथ लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।